आपके सपनों का कि आपने अपना स्कूल बनाना है, ऐसा स्कूल अगर आपको बनाना हो तो कैसा बनाओगे आप, कितने कमरे होंगे, अगर दोबारा से बनाना है दोबारा बनाइए आप उसको बढ़िया करके, कुछ अगर कमी बेसी रह गई हो तो, कितनी बिल्डिंग का होगा, चौकीदारों के दार खड़े करने हैं कहीं पे गार्ड वार्ड वो देख लीजिए, दोनों हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों हाथ का, कुछ इससे फिर इसको इसका ऐसा पूरा सजाइए इसको एकदम, जो जो बन सकते हैं बेहतरीन इसको। एक बार अगर बना लिया है तो एक बार फिर से उसका पूरा मुआयना कर लीजिए, दोबारा से एक बार तेजी से बनाइए, बिल्कुल दो बार बनाना। और साथ में अगर कलर भी करते जाएं तो कलर भी करते जाइए, पेड़ पौधों में हरा कलर कर दीजिए बिल्कुल एकदम कि हाँ ये हरे हो गए, ये इसमें ऊपर लाल कलर हो, इसमें नीला हो, इसमें पीला, जहां पर भी तो गार्ड है उसको ड्रेस वेस बिल्कुल फर्स्ट क्लास होना चाहिए, बंदूक बंदूक उसके पास होनी चाहिए। बच्चों की लाइन लगवा दीजिए, फिर जब कंप्लीट हो जाए तो बच्चे देखिए कितने खड़े हैं, टीचर्स को आपने कहा कैसे सेटलमेंट करना है कि भी कैसे खड़े होंगे टाइप का हो, और खड़े होने के लिए माइक वाइक लगा हो, कैमरे लगाने हैं तो कैमरे भी लगा लीजिए कमरों में, जनरेटर वगैरह कुछ और, असेंबली में कितने बच्चे खड़े करने हैं, कितनी लाइनें बनी हुई हैं, टीचर्स को कहाँ खड़ा करना है जब असेंबली हो रही हो तो, और रोजाना आप 10-20 पेरेंट्स को भी बुलवाते हैं वहां पर वो सारी चीजें दिखाने के लिए, तो उनके लिए भी एक जगह होना चाहिए वहां पर कहीं। चलिए कंप्लीट हो गया, अब अमित जी कैसा फील हुआ अभी आपको? सर एक बहुत अच्छा आइडिया भी आ रहा था कि हमारे जो नेचुरल बुक्स वाले स्कूल हैं जहाँ पे सिर्फ बुक्स की नॉलेज मिलती है, एक ऐसा स्कूल बनाया जाए जहाँ पे सिर्फ उनको दूसरी ट्रेनिंग्स मिले, जो उनके अंदर हिडन टैलेंट्स होते हैं ना वो निकल के आए, लाइक किसी को अच्छा उस टाइप का वो स्कूल था। अपना कोर्स तो वो कर ले महीने भर में और बाकी 11 महीने फिर वो डांस सीख रहे हैं, वॉलीबॉल फुटबॉल स्विमिंग थी, स्विमिंग भी सीख, स्विमिंग है, योगा हो रहा है। कितने बच्चों को सिखाना स्विमिंग? स्विमिंग जितने जो पूल है वो ज्यादा गहरा नहीं होगा, वो नॉर्मल होगा। ठीक है, नहीं आपने क्या टारगेट बनाया? आपके आपके स्कूल में सपोज 1000 बच्चे हैं तो कितने बच्चों को स्विमिंग आना चाहिए? सबको आनी चाहिए। डांस? सबको आना चाहिए, उसे डर लगता है ना, डांस तो है उसके अंदर, फिर टीचर से लगता है ना, तो भाई तुम चले जाओ 4 बच्चे और इसको डांस सिखाओ भाई 5 दिन बिल्कुल बढ़िया तरीके से। जो बच्चे डांस सीख गए हैं अब वो बन गए कोरियोग्राफर, तो वो नया नया स्टेप सिखा रहे हैं, भैया मैं इनसे नहीं सीखूंगा उससे सीख ले, उससे नहीं सीखूंगा इससे सीख ले, सीख ले।
किससे सीखना है, बना दे पांच पांच के, हाँ हाँ सीख ले, मतलब वहां पर बच्चे ज्यादा इस गेम में होता है सीखो और सिखाओ। हमारे स्कूल के अंदर बच्चे सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं, स्टेज पे बोलना, स्टेज पे लिखना, पिक्चर बनाना, क्वेश्चन बनाना। हमारे यहाँ पता है कॉपी कौन चेक करता है, पहले पांच बच्चे कॉपी चेक करते हैं तब टीचर चेक करता है। गुड वेरी गुड बच्चे देते हैं, LKG का बच्चा गुड देता है गुड। हमने उनसे पूछा, मैंने कहा बेटा गुड लेने में मजा आता है या देने में, बोले सर पहले लेने में मजा आता था अभी देने में मजा आता। LKG का बच्चा बोले सर मैंने ना आज 17 कॉपी चेक करी है सर 17। तो मैंने कहा भाई तू, बोले हाँ सर मैंने, हाँ सर प्रेयर मैंने कराई है, पहले दिन जो बच्चा आता है वो प्रेयर कराता है, पहले दिन जो आता है प्रेयर कराता है। नर्सरी का बच्चा प्रेयर कराता है सर। सपोज 1000 बच्चे हैं तो 1000 बच्चों में से हर क्लास से दो बच्चे लिए जाएंगे तो यहाँ पर भीड़ हो जाएगी प्लेटफॉर्म पर, स्टेज पर होंगे लगभग 50 बच्चे, दो दो बच्चे निकल कर आएंगे 50। अभी पांच बच्चे नए आए तो पांच भी उसी में शामिल होंगे, अब वो चुपचाप खड़े रहेंगे ऐसे, कभी इधर देखेंगे कभी उधर देखेंगे, ये होगा धीरे धीरे, चलो हाथ जोड़ लिए उन्होंने, फिर कुछ बुदबुदाएंगे, ठीक है। अभी वो जब घर जाएंगे ना, घर जाते पहले सवाल पता है मम्मी से क्या बोलेंगे, पहला बात, मम्मी आज प्लेयर मैंने कराई थी। अब मम्मी का फोन आता है, बोले सर पहले दिन ही आपने बच्चे को स्टेज पे चढ़ा दिया। ओह मैंने कहा गलती कर ली भाई, अब समझाओ मम्मी को आप। पहले दिन बच्चा बोर्ड पर लिखता है, बोर्ड पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे कच्चा है ना ग्राउंड, तो चार पांच बच्चों को भेज देते हैं वहां पर, पूरा दिन ऐसे चलता है, चार पांच बच्चों को भेज देते हैं। जो हमारा टीचर है ना वो सिर्फ कोच है, वो जैसे पीछे 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 घूमता रहता है ना, किसी की कॉपी चेक कर ली, किसी से सुन लिया, किसी को यहाँ भेज दिया, बेटा तू जरा उसे सिखा दे, तू उसे सिखा दे, तू उसे सिखा दे, तू उससे सीख ले, उससे पूछ लेना, तू वहां से सीख लेना। और टीचर के पास कॉपी तब आएगी जब पांच बच्चे चौक चेक कर देंगे, फिर भी कोई गलती रहेगी ना तो उन पांचों को बुलवाया जाएगा, बोले देखना जरा ये, वो ऐसे हाथ मारेंगे, ओहो सर सॉरी सर। तो वो उसको कहेगा यार तुझे भी दिखाई नहीं दिया ये, बोला मैं देख मैं चेक तो किया मुझे पकड़ भी नहीं आया, इंसल्ट हो गई यार आज, फर्स्ट का बच्चा बोल रहा है इंसल्ट हो गई आज, कि सर की गलती पकड़ने से पहले हम गलती नहीं पकड़ पाए इस बच्चे की, बताइए। बोले क्या हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा, अब अगली बार कैसी चेक करेगा वो, और वो अपनी कॉपी कैसी रखेगा। छोटा बच्चे की बात बता रहा था मैं, तो उसे ना ग्राउंड पे ना इतना बड़ा हम पेंसिल लेकर भेज देते हैं, उल्टी पेंसिल बिना बिना छिली हुई, देखिए गेम, और थोड़ी सी जगह दे दी उसका, दो बच्चे दे दिए उसके साथ में, उससे थोड़े से बड़े, सपोज वो LKG का है तो UKG के बच्चे भेज दिए जिसे गिनती उनती ये सब आता हो। अब वो क्या करेगा, बोले इसे चला जरा ऐसा गोल बना, तो गोल ही बना रहे, गोल यहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया, ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया। अब उसके बाद आधा घंटा कराया वो, तो उसे पेंसिल पकड़नी आ गई, ठीक टेंशन तो है नहीं क्या बनाना था, उन्हें ऐसे घुमा दिया, ऐसे ऐसे बना दिया, ठीक क्या बना दिया। अभी उसको बोर्ड पे ले आए, बोर्ड पर उसे चौक दे दिया, अब वो दो बच्चे उसके साथ हैं, अब वो उसे कहेंगे ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, तो गोल बनाएगा, बोले तूने कैसे बना दिया यार, बोले ऐसे बनाना, तो उसका हाथ पकड़ लेगा पीछे, ऐसे बनाना इसको ऐसे, अच्छा अच्छा हाथ छोड़ मेरा मैं खुद ही बना लूंगा। वो छोटा बच्चा बोल रहा है नर्सरी का, पहले दिन मेरा हाथ छोड़ मैं अब खुद ही बना लूंगा, बच्चा समझ रहा है क्या मुझे, तो ऐसे गोल बना दिया, अब वो तालियां बजाएंगे बढ़िया। अभी दूसरा छोटा बना दिया, ऐसे ऐसे वन बना, ऐसे वन, बोले क्या बोला तूने, बोले वन, अच्छा सर वन लेते हैं वन, बोले दोबारा ऐसे ऐसे बना दे इसको, टू टू बना, चल वन बना जरा, वन कैसे बनाया था, बोले ऐसे बनाया था वन, बोले एक और बनाना जरा, बोले ऐसे बनाया था, अब वो गोल बनाना जरा, वो जीरो बनाना, बोले ये ले बता कितने बनाने, और बनाओ और बनाओ और बनाओ, ठीक एक घंटे में ये गेम हो जाएगा। अभी वो टीचर को बुलाएंगे, मैम इसको जीरो और वन बनाना आ गया, बोर्ड पे सीख रहा है वो, बोर्ड पर कॉपी पे नहीं। अभी मुझे बताइए अगर किसी को साइकिल सीखनी हो तो उसे मार्केट में सिखाएं पहले दिन, भरे मार्केट में या ग्राउंड में, सर ग्राउंड में, तो ग्राउंड है बोर्ड और जो भरा मार्केट है वो है ये कॉपियां। अब बच्चे को वो, बेटा इधर ये वाली गली से ना ये साइकिल टकरा ना जाए देख ले, नहीं तो पिटेगा तू, एक्सीडेंट हो जाएगा।
वो चक्कर में पड़ा, ये साइकिल सीखूं ना सीखूं यार, चलाता कम हूं, टक्करें ज्यादा हो रही है यहाँ। तो पहले वो अगर वो ग्राउंड में चलाना सीख गया तो मार्केट में भी चला लेगा, नहीं चला लेगा, गेम देखिए आप। ठीक, फिर उसे पिक्चर पे ले आते हैं, मोर देखा है, बोले हाँ देखा, से चोंच चोंच बना, अब वो मोटी सी बना देगा, कोई पतली सी बना देगा, यही तो होगा। बोले आंखें बंद कर, आंखें बंद करना, तुझे मोर नहीं दिख रहा क्या, ये पेड़ नहीं दिख रहा, वो देख पेड़ देख, वहां देख जाके पेड़ देखा, आंखें बंद कर, अब दिख गया, हाँ दिख गया, चला जा पकड़ चौक। उसके पीछे टीचर नहीं है, चार पांच बच्चे हैं, अब उसकी आंखें बंद करवा रहे हैं, उससे पेड़ बनवा रहे हैं, उससे मोर बनवा रहे हैं, उससे वन बनवा रहे हैं, उससे टेंस सिखा रहे हैं। सर यूकेजी का बच्चा हमारे सारे टेंस जानता है। बोले इसको प्रेजेंट को परफेक्ट में कन्वर्ट करके बताओ। बोले उसमें क्या है, हिंदी में ये वाला सेंटेंस हो गया और इसमें ऐसे ऐसे ये रूल लगेगा ना इसमें। बोले हाँ, और उसमें टीचर का कोई रोल नहीं है, टीचर का कोई रोल नहीं है, एक महीने में डेढ़ महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट, उसके बाद सारे बच्चे डांस सीखेंगे, सारे स्विमिंग सीखेंगे, सारे ही कैरम बोर्ड सीखेंगे, सारे वॉलीबॉल, लड़कियों ने वॉलीबॉल सीखा, पांच लड़कियों ने सीख लिया। बोले ये पांच लड़कियां ये हैं, कितने दिन में सिखा दोगे। बोले सर पांच छह दिन में हो जाएगा, चलो इनको अंडर हैंड सिखाओ, तो अंडर हैंड चल रहा, वहां कैरम बोर्ड सिखा रहे हैं। सीखना और खेलना नहीं है, सीखना और सिखाना है, मैच नहीं होना है। अंडर हैंड सर परफेक्ट अंडर हैंड से, सर बॉली मारना आ गया सर इनको, तो ऐसा करो उनको पांच को और पकड़ लो, सर मैंने चूज कर लिया ये पांच को हम आज और ट्रेन कर देंगे। सिलेबस की तो टेंशन है ही नहीं, सिलेबस बच्चे अपने घर से कर लेते हैं, वहां तो खाली सुनाने आते हैं वो। और हाँ एग्जाम में क्या होता है, देखिए आप एग्जाम में मिलता है खाली पेपर, खाली कॉपी, इतनी मोटी कॉपी। अब उनका तीन घंटे का टाइम, तीन घंटे में सपोज साइंस है तो साइंस में उन्होंने टॉपिक के नाम लिखने हैं, बराबर टॉपिक के नाम मान लीजिए, और टॉपिक के कौन से नाम, मान लीजिए नाइन्थ में है वो, तो फर्स्ट से लेकर के और नाइन्थ तक के 200 टॉपिक नाम लिख दिए उसने, 200 टॉपिक लिख दिए। अब हर टॉपिक से पांच छह क्वेश्चन लिख रहा, 300 क्वेश्चन, 400 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन, 600 क्वेश्चन, 700 क्वेश्चन। अब हम बोलते हैं भाई एक घंटा हो गया तो 100 से ऊपर किसके हो गए, वो लिखता रहेगा उसमें हाथ ऐसे करेगा, 200 से ऊपर किसके हो गए, मतलब यूं देखने में भी तो दो तीन क्वेश्चन लिख देगा। फिर 300 किसके हो गए, अब कॉपियां आ गई, कॉपियां सबसे पहले पांच बच्चे चेक करेंगे, अंडरलाइन करेंगे जहां जहां गलतियां हैं। ठीक, अब इसके बाद उनसे पीछ में से पूछेंगे, हाँ इसका आंसर बता, उसका बता, उसका बता, उसका बता, हाँ ठीक है सर। अब इसके बाद टीचर चेक करेगा, उसके बाद कॉपियां जाएंगी घर, और कम से कम 100 लोगों से चेक करा के लाएंगे पूरे गांव में, डॉक्टर से, टीचर से, पड़ोसी से, मौसा जी से, दुकानदार से, किसान आदमी से, सबसे। वो जाएगा कॉपी लेके, सर अंकल ये मेरा एग्जाम हुआ था और इनमें से मुझसे कुछ सुन लो, अंकल प्लीज मुझसे कुछ सुन लो। वो बोले क्या सुनाएगा, बोले इसमें से कुछ भी पूछ लो कहीं से भी। वो बोले अच्छा ये बता, फटाक से उन्होंने बता दिया क्योंकि क्वेश्चन उसने बना रखे। ठीक, और वो कहेगा भाई मुझे क्या पता इसमें कौन सा टॉपिक, बोले ये बुक है इसमें से पूछ लो। वो अच्छा ये बता, अब बता अंकल कुछ पिक्चर बना के दिखा दूं, पिक्चर बना के दिखा दूं आपको इसकी, पिक्चर बना के दिखा दिया। ठीक हो गया अंकल, अब इसमें लिख दो आपको कैसा लगा, तो उसमें लिखेगा वेरी नाइस, वेरी गुड, कोई उन्हें सेब दे देगा, कोई उन्हें टॉफी दे देगा, कोई कुछ दे देगा, पूरे गांव में बच्चे ऐसे ही घूमते रहेंगे। ठीक है सर। अब हम उन्हें मोहल्ले में क्यों घूमवा रहे, वो हम उन्हें इंटरव्यू के लिए रेडी कर रहे हैं, स्टेज शो के लिए रेडी कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं ना वो। अब फर्स्ट के बच्चे से इंटरव्यू, सेकंड के बच्चे से इंटरव्यू, तो ग्रुप में जाते हैं, छह छह बच्चे पहुंच गए, अभी एक ने दिया, वो परेशान हो जाते हैं लोग, यार किस किस से पूछो यार, ये तीसरे दिन आ जाते हैं, काम ही नहीं कुछ। और बहुत सारे लोग बड़े खुश होते हैं, एक उनका एग्जाम्पल देते हैं, फिर अपने बच्चे का एग्जाम्पल देते हैं, किसी और स्कूल का होता है, बोले इधर आ तू नालायक, इसे देख तुझे आता है ये सब, वैसा ऐसा होता है वहां पर। तो आज से 8 साल पहले लोग पागल बोलते थे, बोले वो भटनागर जो है ना भैया पूछो मत, पता नहीं क्या करता रहता है। बताओ नर्सरी के बच्चे को स्टेज पे बोलना सिखा दिया, कोई दुख है क्या है, बच्चा बोर्ड पे बना रहा है,
ये उम्र है बच्चों की है? और सारे बच्चे डांस सीखेंगे, क्या क्या तुक बन रहा है सारे बच्चों का, सारे बच्चे ये सीखेंगे। अरे बच्चे की एक हॉबी होती है, है? वो सारी चीज ऑलराउंडर बन जाएगा हर बच्चा। अरे कोई गॉड गिफ्ट होता है किसी के अंदर, तो हमने कहा गॉड ने बाकी लोगों को गिफ्ट देना भूल गया या गिफ्ट उनके पास खत्म हो गए थे? गॉड के पास गिफ्ट कब से कम हो गए भाई। तो बच्चे को, बच्चा क्या क्या सीख सकता है अगर आप उसे 15 दिन स्विमिंग सिखाएं और उसे सपोर्ट दें पीछे से, उसे 15 दिन साइकिल सिखाएं, 15 दिन उसे सिंगिंग सिखाएं, 15 दिन कुछ भी 15 दिन सिखाएं, उसके मतलब का बंदा हो, कोरियोग्राफर किसी भी लेवल से, 15 दिन उसे स्टेज पर बोलना सिखाएं उसको, 15 दिन या पिक्चर बनाना सिखाएं, 15 दिन क्वेश्चन बनाना सिखाएं, वो क्या क्या नहीं सीख सकता मुझे वो बता दो बस। 15 दिन चाय बनाना, 15 दिन दाल बनाना, 15 दिन चावल बनाना, आप मुझे बता दीजिए। उसे 50-50 बार वो सीख बनाना उससे प्रैक्टिस करवा ली, तो क्या क्या सीख सकता है और क्या क्या नहीं सीख सकता मुझे ये बता दो। उनमें से यूनिक छांट लेंगे फिर बाद में बैठ के।